बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आ रही है इंजीनियर एसोसिएट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर, इसके साथ साथ यहाँ जो वैकेंसी आपको नजर आ रही होगी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की और जूनियर इंजीनियर की बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है जिसमें एसोसिएट इंजीनियर वाले भी एलिजिबल है। एसोसिएट इंजीनियर क्या होता है, लाइक जूनियर इंजीनियर AE असिस्टेंट इंजीनियर के बराबर होता है। तो आप जो है ये वैकेंसी आज आपके लिए बम्पर वैकेंसी आई है जूनियर इंजीनियर और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी को आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल CS IT इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, इसके साथ साथ केमिकल वाले एलिजिबल हैं। और जल्दी से जल्दी अप्लाई करके आगे बढ़ जाइएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आ पाएगी। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा कि ये जो वैकेंसी है यहाँ ट्रेनीज और जूनियर इंजीनियर एज वेल एज सीनियर इंजीनियर और एसोसिएट इंजीनियर्स के लिए बहुत सारी वैकेंसी है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, एसोसिएट इंजीनियर इज इक्वलेंट टू जूनियर इंजीनियर एंड जो है जूनियर इंजीनियर से बड़ा होता है, लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर एसोसिएट इंजीनियर को बोला जाता है। दोस्तों वैकेंसी के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें गुफ्तगू करना चाहूंगा। वो क्या है, वो किस लिए है, वो क्या होगा उससे बेनिफिट। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर कि जिस बंदे को पैसों की नीड है, मनी की नीड है, वो जो है आउट ऑफ इंडिया की जॉब ज़्यादा ट्राई करे, और जिसको अभी फ्रीलैंसिंग, जब तक जॉब नहीं लगती है फ्रीलैंसिंग जॉब चाहिए, फ्रीलैंसिंग को अच्छी होती है जो पार्ट टाइम जो होती है एक्स्ट्रा इनकम होती है, इस टाइप से अगर कोई जॉब है अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों आप जो है ब्रांच और पास आउट ईयर, अपना पास आउट ईयर ज़रूर मेंशन कर दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरे लिए ईजी हो जाता है नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले सबसे लेटेस्ट सबसे जल्दी आपके सामने लेके आना। अब बात कर लेते हैं यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे एलिजिबल है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप सबसे पहले और सबसे जल्दी अप्लाई करते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करते हैं, तो मैं आपके लिए और भी अच्छी अपडेट लेके आऊँगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में। अडानी ग्रुप आज के टाइम में, आपको मैं बताऊं कि अभी कुछ टाइम से कंट्रोवर्सी चल रही थी अडानी ग्रुप के साथ। ये क्या कंट्रोवर्सी है दोस्तों, ये जो है सिर्फ बकवास है कि अडानी ग्रुप जो है इतना बड़ा ग्रुप है, इवन बैकबोन्स मानी जाती है। कुछ आपको पता है कि सिर्फ 1% बंदे ही देश को चला रहे हैं, सिर्फ 1% बंदे ही, उनमें से अडानी ग्रुप भी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्या किया है क्या नहीं किया है, इंडस्ट्री लिस्ट होते हैं वो अपना काम करते रहते हैं, उसी के अंदर वैकेंसी निकल के आ रही है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी वैकेंसी निकल के आ रही है। अब हम देख लेते हैं इनकी करंट ओपनिंग्स, कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे एलिजिबल है, प्लस मैं आज आपको फॉर्म फिल भी करके दिखाऊंगा जहाँ जहाँ आपको क्वेरी आती है, जहाँ जहाँ आपको थोड़ा टफ लगता है। सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट मैनेजर की। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है तो ऑब्वियसली मैनेजर जो आ गया, तो मैनेजर के लिए एक्सपीरियंस बंदों की ही रिक्वायरमेंट होगी। दोबारा सुन लीजिए, एक्सपीरियंस बंदों की ही रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी वैकेंसी है सीनियर इंजीनियर। सीनियर इंजीनियर में अगर आपके पास 3 to 5 years का एक्सपीरियंस है तो आप यहां एलिजिबल है। नेक्स्ट जो आ गई असिस्टेंट मैनेजर, नेक्स्ट सीनियर इंजीनियर, अब आ गई इंजीनियर प्रोडक्शन। अब ये क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपकी जॉब रहने वाली है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन मतलब जो इनकी सप्लाई चेन होती है या फिर पावर सेक्टर होता है, पावर सेक्टर में प्रोडक्शन होता है, फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होता है, ऑपरेशंस होता है और उसको बाद मेंटेनेंस होता है, तो यही सब इसमें है। नेक्स्ट जो है 10, अब ये इंजीनियर में कौन कौन एलिजिबल है, सभी एलिजिबल हैं। कौन कौन सी ब्रांच, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट आ गया एसोसिएट इंजीनियर की। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, एसोसिएट इंजीनियर जो होता है वो क्या होता है, एसोसिएट इंजीनियर जो है बहुत कंपनी में असिस्टेंट इंजीनियर की इसको क्राइटेरिया दिया जाता है, जो कि एसोसिएट इंजीनियर के रूप में यहाँ है। और एसोसिएट इंजीनियर के लिए यहाँ जो वैकेंसी आई है वो किस किस के लिए आई है, सबसे पहले तो हम इस वैकेंसी को समझते हैं, वैकेंसी किस लोकेशन में है, क्या है, मुंद्रा में है। अब इसमें जो वैकेंसी है दोस्तों, इसमें इन्होंने साफ साफ बोला है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल CS
आईटी, ये सीएस और आईटी को छोड़ के जितनी भी साइट ब्रांचेज हैं, साइट ब्रांचेज का, अब साइट ब्रांचेज में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तो हर जगह ही आता है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिकल, ये तीनों ब्रांचेज भी एलिजिबल है। अब नेक्स्ट वैकेंसी आ गई जेई के रिगार्डिंग, जूनियर इंजीनियर के। अब जूनियर इंजीनियर में भी सेम क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है। अगर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी हम ओपन भी करके देख लेते हैं तो यहाँ इन्होंने बोला है सिर्फ ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग। अब ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग में क्या है? अब ये ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं है जो आप सेविंग करते हैं या वर्किंग करते हैं, वो ब्लेड नहीं है। ये ब्लेड होती है बड़ी बड़ी पावर सेक्टर में जो टर्बाइंस होती हैं या फिर बड़े बड़े विंडमिल के ब्लेड्स होते हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इनका अलग से यूनिट होती है, अलग से प्लांट होता है। तो इसी टाइप की ये है। और ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि इसमें क्या आप देखेंगे, इसमें एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ऐसे ऐसे सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो आप खुद ही लेट होते हैं, इसलिए अप्लाई करके आगे ज़रूर बढ़ जाइएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आपने देख ही लिया, जूनियर इंजीनियर के बारे में हमने बता ही दिया है, नेक्स्ट आ गया असिस्टेंट मैनेजर, फिर एसोसिएट इंजीनियर के लिए दोबारा आ गई जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले सभी अप्लाई करें। फिर नहीं आ गई एसोसिएट इंजीनियर, फिर एक वैकेंसी और आ गई जूनियर इंजीनियर। तो इस बार क्या है कि वैकेंसी की भरमार है यहाँ। तो आपसे मैं एक चीज और बोलूंगा दोस्तों, अगर अभी तक कमेंट सेक्शन में किसी ने ब्रांच और पास आउट ईयर मेंशन नहीं किया है तो वीडियो को 2 मिनट रोक के ब्रांच पास आउट ईयर जरूर मेंशन कर दो, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आपके सामने तभी तक आएगी जब सबसे पहले आप ब्रांच और पास आउट ईयर मेंशन करेंगे। अब आप देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग, फिर नेक्स्ट जो वैकेंसी आ गई ये आ गई ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की, क्या जीईटी की। अब ये जीईटी क्या है, ये जीईटी में है कौन और किस डिपार्टमेंट में रहने वाला है, जो कि मैंने आपने स्टार्टिंग में भी देखा होगा। जीईटी के लिए इन्होंने बोला है कौन क्या क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैन पावर एलोकेशन एनश्योर क्रिएटिव एक्टिविटी और क्रिटिकल मशीन 100% प्रोडक्शन एडहेरेंस। दोस्तों ये अब आप इतना समझ गए होंगे कि ये साइट पे जॉब रहने वाली है, तो ये सीएसआईटी वालों के लिए नहीं है, जो ऑफिशियल वर्क करते हैं उनके लिए नहीं है। तो ये 55 एक्टिविटी, आइडेंटिफाई हैजार्ड इन टाइमली, एंश्योर दैट नियर मिस एक्सीडेंट इन्वेंटरी इफ एनी। तो अगर इसमें क्या है, आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, डेली डिफेक्ट रिव्यू, डेली चेक एंड रिक्वायर्ड एंड टूलेट्स, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब रिजेक्शन अप्रूव मटेरियल। तो इसमें अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात बताता हूं। सबसे पहले तो इसमें सेफ्टी वाले एलिजिबल हैं, सेफ्टी के साथ साथ इसमें सिविल एलिजिबल है, मैकेनिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, इंस्ट्रूमेंटेशन एलिजिबल है, केमिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सभी ब्रांचेस एलिजिबल है जीईटी में। अब बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर वालों के लिए। जूनियर इंजीनियर में देखिए, जहां जीईटी आ गया वहां तो सब ग्रेजुएट वाले, मतलब बीई बीटेक वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब जब जहां जूनियर इंजीनियर है वहां डिप्लोमा और बीटेक दोनों अप्लाई करें। दोस्तों इसके साथ साथ डेप्यूटी मैनेजर सिविल, डेप्यूटी मैनेजर एसोसिएट मैनेजर सीनियर इंजीनियर, ये सारी वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं इनके ऑफिशियल पेज पे, और ये कहीं भी फेक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अब इसको अप्लाई करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। जैसे ही आप कोई भी वैकेंसी खोल लीजिए, मान लीजिए हमने जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी ओपन कर ली, तो यहाँ आपको नीचे ही अप्लाई ऑनलाइन का मेंशन आ जाएगा। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक साइन अप और साइन इन की सीट होके आ जाएगी। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो इस टाइप का एक आपके पास आ जाएगा फॉर्मेट ओपन होके। तो इसमें याद रखिएगा, अपना डाटा आपको ध्यान से सबमिट करना है। सबसे पहले आएगा कि आपने कहां से हमें ढूंढा, तो आप इसमें जॉब बोर्ड भी लिख सकते हैं। तो जॉब बोर्ड लिखने के बाद अपना डाटा पूरा कीजिएगा, उसके बाद आपको यहां क्या है, वर्क एक्सपीरियंस में आपको दिखेगा एक फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है दोस्तों, इन्होंने फॉर्मेट लिख रखा है, टोटल वर्क एक्सपीरियंस है 6.6। अब ये 6.6 का क्या बीमारी है जी, ये जो है इन्होंने बोला है कि ईयर्स डॉट मंथ में अगर आप सिर्फ जीरो लिख के छोड़ देते हैं, जीरो ईयर्स, तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसमें फॉर्मेट में आपको लिखना है 0.0 वाले फॉर्मेट में, मतलब अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 डॉट, और 6 मंथ का एक्सपीरियंस है तो 5.6 लिखना है। तो आप होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इसमें आगे कैसे बढ़ना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपको जॉब स्पेसिफिकेशन पूछा जाएगा, आपका सोर्स टाइप क्या है या कहाँ से आए हैं, जो जैसे आपने जॉब बोर्ड लिख लिया, जॉब बोर्ड में कौन सा आप नौकरी से आए हैं, ऐसे करके आपको नेक्स्ट आप जैसे पेज पे पहुँचेंगे तो आपसे आगे का एजुकेशन हिस्ट्री आपसे पूछा जाएगा, आपने कहाँ से किया है कहाँ से नहीं। तो ये सभी आप आगे करके इसमें सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका वर्क अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं,
देखिए इसमें क्या है कि स्टार मार्क दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है जूनियर इंजीनियर और जीईटी के लिए बिल्कुल फ्रेशर होता है। तो इसमें आपको क्या कर लेना है, जो आप जो है जैसे 2022 में आप 2023 में पास आउट होने वाले, 2022 में हुए हैं, तो आप जो है 2022 से ही अपनी रिक्रूटमेंट दिखा दीजिएगा, 2022 से रिक्रूटमेंट, और एक महीने बाद आप रिजॉइन का दिखा दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आपकी, आपको एम्प्लॉयर में लिखना है फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हैं तो स्टार्ट डेट अपनी जो भी है आसपास की लिख के इंडस्ट्री आगे, एनुअल सैलरी जितनी भी आपको एक्सपेक्टेड सैलरी, देखिए मैं आपको एक्सपेक्टेड सैलरी का आपको बता दूं, जो जीईटी वाले हैं, जीईटी वाले अपनी मिनिमम सैलरी 4.6 लिखें और डीईटी वाले मतलब डिप्लोमा वाले जो है 3.6 तक लिखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट जो है आपको फिर सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट पेज पे चले जाना है, यहाँ आपसे जो भी चीज़ पूछी जाएगी उसे आगे करके आपको आगे बढ़ जाना है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, इसके बाद आएगा आपका ये सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस फाइल अटैचमेंट। फाइल अटैचमेंट में आपसे कवर लेटर की डिमांड की जाएगी। अब ये कवर लेटर क्या होता है दोस्तों, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर लेना, दैट मीन्स कवर लेटर। कवर लेटर कहाँ मिलेगा, कवर लेटर मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अब ये कवर लेटर आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो जल्दी से जाके आप देख लीजिए एक बार, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो जल्दी जाइए और जल्दी कवर लेटर देख के इसको अप्लाई कर दीजिए, और फाइनल सबमिट करने के बाद अपनी ब्रांच पास आउट ईयर जरूर मेंशन करके जाइएगा, और अपनी ब्रांच और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।